आखिरकार पूरा बनकर तैयार है सरायगढ़ का ये शानदार ओवरब्रिज। नीतीश कुमार जी 1 से 2 दिन में करने वाले हैं इसका उद्घाटन। कितने लोग ऊपर चढ़ गए, देखिए सब गाड़ी निकल रहा है एक से एक तरफ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है का हमारे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पीछे है सरायगढ़ का ओवरब्रिज जो कि जो है बनकर तैयार हो चुका है। 95% जो है वर्क कम्प्लीट है। 2 से 3 दिन में जो है इसका उद्घाटन होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है खुद आकर जो है इस ओवरब्रिज का जो है उद्घाटन करने वाले हैं। ये जो है सरायगढ़ ओवरब्रिज जो है सरायगढ़ स्टेशन से जो है 1 किलोमीटर आगे जो है बनाया जा रहा है। पीछे में आपसे दोस्तों की कितना काम हुआ है अभी तक। दोस्तों ये रहा ये सरायगढ़ का ओवरब्रिज जो कि पूरा बनकर तैयार है। ऊपर में जो है कुछ ऐसे वेल्डिंग के काम है जो कि अभी भी जो है किए जा रहे हैं। और इधर जो है साइड में आपसे दोस्तों की रेलवे ट्रैक है और देखने में तो पूरा ज़बरदस्त लग रहा है ये रेलवे का ओवरब्रिज। अभी जो है हम लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर जाने का। आप सभी को जो है ऊपर से दिखाएंगे कि ऊपर में जो है कितना काम हुआ है, कैसा लग रहा है ऊपर से। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सुपौल जिला में जो है अभी फिलहाल जो है 3 ओवरब्रिज बन रहे हैं, जिनमें से कि पहला ये सरायगढ़ का ओवरब्रिज है जो कि पूरा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा जो है सुपौल में ही बन रहा है मार्केट के बीचों बीच, और तीसरा जो है वो बन रहा है राघोपुर में। तो सुपौल का जो है अभी फिलहाल काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ जो है 50% काम कंप्लीट है और ये तो बनकर तैयार है। इसका जो है उद्घाटन है 2-3 दिनों में, और राघोपुर में तो अभी सालों लगने वाले हैं। लेकिन अभी जो है हम दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में आप सभी को जो है इस रेलवे ओवरब्रिज के बारे में। ये ऊपर में देखिए ना, ऊपर से जा रहा है, वाह देखिए दोस्तों, ये कोई मंत्री जो है आए हुए हैं और सब जो है जा रहे हैं। शायद ऊपर से भी देखिए गाड़ी सब जा रहा है, एम्बुलेंस से जा जाता है। ये क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, ऊपर में जो है कोई आया हुआ है, मंत्री है। अभी जो है सांसद या विधायक जो है ऊपर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये सिक्योरिटी जो है इतना टाइट हो रखा है, मतलब ये रोड पर जो अभी फिलहाल जो है 24 घंटे जो है पुलिस के सारण बजते रहते हैं। और अभी भी जो है वही हाल हुआ, अभी जो है आ रखे हैं विधायक जी जो है, तो वहाँ पे जो है पूरा बजे जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले जो है हर एक विधायक हर एक मंत्री जो है पहले इस ओवरब्रिज पर आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं बना है या नहीं। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी की सेफ्टी के लिए जो है मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लाया जाएगा सिर्फ एक रिबन कटिंग के लिए। छाती पास पड़ रहे हैं अभी जो एक बार हम लोग उस साइड जा रहे हैं ओवरब्रिज के। पकड़ लियो ठीक से फोन। फोटो ले सकते हैं यो। और वहाँ पे जो देखिए पूरा जो है गाड़ी सब लगा हुआ है, इंस्पेक्शन चल रहा है भाई मंत्री जी के द्वारा। और उधर आप सभी को आगे चल के दिखाए थे कि कितना जो है पुलिस फोर्स सब लगा हुआ है आगे पीछे दोनों साइड जो है, और बीच में जो है पूरा पुलिस फोर्स भरा हुआ है। इसीलिए हम तो फिलहाल अभी ऊपर जा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों आप सभी को हम चल के दिखाएंगे कि जहाँ पर जो है नीतीश कुमार जी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा वहाँ पर जाकर दिखाने वाले हैं कि वहाँ का जो है क्या हाल है, कितना बन गया है ये हेलीपैड। और देखिए वहाँ पर जो अभी सारी गाड़ी सब जो है निकल रही है इस साइड से बाहर, जहाँ पर जो सारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। और लोग जो है देखने के लिए ऊपर चढ़ चुके हैं, देखिए सभी लोग जो है ऊपर चढ़ गए। देखिए ना कितने लोग ऊपर चढ़ गए, देखिए सब गाड़ी निकल रहा है एक से एक तरफ से। तो कितना गाड़ी था, लाइन लगा हुआ था पूरा, अब वो सब गाड़ी यहीं घूमेगा शायद।
इसको बोलते हैं काफिला। क्या सुंदर नजारा है सरायगढ़ ओवर ब्रिज पर, एक से एक गाड़ियां चल रही है। ये है अच्छे से बनना चाहिए वीडियो, देखिए दोस्तों सामने जो है फूल का गाड़ी जा रहा है, पूरा ओवर ब्रिज को जो है फूल से सजाया जाने वाला है। वाह, फूल वालों ने जान दे दिया, हमको गाड़ी लेकर नहीं जाने दे रहे। अभी जो हम लोग पैदल ही जो है इस ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ के जो है देखने वाले हैं कि कैसा बना है ऊपर से। एक बार पहले भी आए थे तो पहले हमने बाइक को बहुत ऊपर चढ़ा दिया था, उस टाइम कोई सिक्योरिटी था नहीं, लेकिन अभी जैसे मंत्री जी सब आने लगे हैं तो अब जो है सिक्योरिटी दे दिया है दोनों साइड कि किसी गाड़ी वालों को भी फिलहाल ऊपर ना जाने दीजिए। दोस्तों हम पहुंच गए हैं ओवर ब्रिज के ऊपर। ये ओवर ब्रिज के ऊपर का वीडियो देख सकते हैं आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो उतना लाउड नहीं है, फूल की गाड़ी लगी हुई है,